खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। हरदोई में दिवाली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री को बंद कराने के लिए ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू कर दिया है, जिस कारण अवैध शराब का कारोबार करने वाले में दहशत का माहौल व्याप्त है। हम बात करते हैं जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर ने बताया कि जिला अधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर पूरे जनपद में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है तथा कार्रवाई भी की जा रही है। भारी मात्रा में लैंड नष्ट किया गया तथा 2 पर केस दर्ज कराया गया। मद्देनजर और विशेष प्रकार अभियान को देखते हुए आज जनपद हरदोई में सुबह में दौलतयारपुर, मुरंदपुरवा और दिल नगर में दबिश की कार्रवाई की गई है, जहां से 350 लीटर शराब और 4000 किलोग्राम महुआ लाल एवं एक बाइक पकड़ी गई है और 8 अभियुक्त नियुक्त किए गए हैं और भारी मात्रा में शराब की जो रखने को नष्ट किया गया है। जनपद में जो है अभी और भी कार्रवाई की जाती है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।